देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं विनय कुमार जिस तरह से डिप्टी स्पीकर बनाए गए हैं, तो भाई हमने आपको इसकी जानकारी दी थी, तो अब इसको लेकर जो है मोहर भी लगी है, अंदर जो है विनय कुमार संबोधित कर रहे हैं और ये बाहर आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं वो पहुंचे हैं और ये हर्षवर्धन चौहान आप यहाँ पर देख रहे हैं वो पहुंचे कार्यकर्ताओं के बीच में, और थोड़ी देर में जो है विनय कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे और समर्थकों का जो यहाँ पर हौसला अफजाई भी करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे। ये आप देख सकते हैं फूल मालाओं के साथ पहुंचे हैं और जश्न जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो है वो विधानसभा उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। विधायक बने हैं दलित देख सकते हैं आप समुदाय से कार्यकर्ता जो उनके समर्थक हैं अहमदा जी ज्ञानपुर से पहुंचे हैं वो आज जो है यहाँ पर पहुंचे हैं जा रहा है कि कब डिप्टी स्पीकर जो है अपने समर्थकों के बीच में पहुंचेंगे और उनको संबोधित करेंगे और ये जश्न देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही है। आज की विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू हो रहा है, सबसे पहला दिन कैसा रहा, क्या एक मिनट मीडिया विनय कुमार जी का चुनाव हुआ और रेणुका विधानसभा क्षेत्र को पहले यशवंत सिंह परमार जी थे, पहली बार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिली है यानी कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर उनको नवाजा गया है। विनय जी का परिवार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है। विनय जी तीसरी बार विधायक बने, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि इन्हें जो नियुक्ति है थोड़ी उसमें देरी हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और विनय जी को हमने अभी डिप्टी स्पीकर के पद पर नवाजा है
और जो इनकी मृत शैली या जो इनकी काम करने की क्षमता है उसका फायदा रेणुगढ़ के लोगों को होगा। आप सबको बधाई, लेकिन इस सबके विपरीत आज भाजपा ने सुबह ही प्रदर्शन किया है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा प्रदर्शन तो करती रहेगी, क्योंकि उनको मुझे लगता है अभी भी जब वो विधानसभा में बात कर रहे थे, हम रिप्लाई दे रहे थे, बार बार उनके पूर्व मुख्यमंत्री उठ खड़े हो रहे थे और जो बात हम पूछ रहे थे उसका जवाब नहीं दे रहे थे। हमने कहा भी वाटर कमीशन में आप लोग जाइए और दिल्ली में आप केंद्र सरकार के जो उपक्रम हैं, जो NTPC है, NHPC है, SJVN है, उनको बोलिए कि जो वाटर कमीशन की आपने रिपोर्ट की है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, उसको विड्रॉ करिए और हमारे जो पैसे हिमाचल के लोगों के बनते हैं वाटर कमीशन के रूप में उसको दीजिए। जबकि उत्तराखंड में उन्होंने कोई रिट नहीं की, वहाँ भी NTPC है, टिहरी डैम है, उसमें खड़े होकर बोल रहे हैं ये कोई बात है? तो उनको मैंने उनको कहा कि आप इसमें जाइए, तो उनको थोड़ा सा हर चीज़ का दर्द होता है ना, जब थोड़ा बहुत दुख होता है तो वो दुखी मन से क्या कहना है, वो नहीं अपनी बात को टालने की कोशिश करते हैं। ना आपदा में खड़े हुए, ना वाटर कमीशन में जो हम हिमाचल के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें खड़े हो रहे हैं, सिर्फ विधानसभा में किस तरह उनका ध्यान अखबार में उन सुर्खियां बने उस दृष्टिकोण से वो आज विधानसभा के सत्र में आते हैं। आज तो पहला दिन है, आज तो थोड़ी शांति से बैठे रहे, लेकिन जैसे उन पर दबाव बढ़ेगा तो वॉकआउट की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सर, दूसरी तरफ बीजेपी जो है सदन के भीतर और सदन के बाहर जो है वो 12 महीने में 12,000 करोड़ का कर्ज लेने को लेकर सरकार को घेरती नजर आई है। सर, उस पर आप RTI डाल के पता कर सकते हैं, अब उनके बोलने से तो कभी हम मान नहीं सकते। मैंने कहा कि 2023-24 में केवल 6600 करोड़ रुपए की कर्ज की लिमिट भारत सरकार ने हमारी अप्रूव की है, बीजेपी के समय 14,000 करोड़ की कर्ज की लिमिट थी और सारा अवेल किया उन्होंने। हमको पूछ रहे हैं तो झूठ जितना भी सच से टकराएगा, बार बार टकराता है झूठ, किसी न किसी रूप में बदल कर आता है झूठ, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जा रहे हैं? हाँ, अभी तो मुझे कल ही चिट्ठी मिली है, विधानसभा सेशन के मैं विचार विमर्श करूंगा राष्ट्रीय नेतृत्व से, उसके बाद ही मैं इसके बारे में आगे बता सकता। सर, आप दुबई भी गए थे, क्या निवेश आएगा पर्यटन के क्षेत्र में? क्या दुबई जब हम गए थे तो हिमाचल में हमने ग्रीन सेक्टर को, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़कर देख रहे हैं, उसी ग्रीन सेक्टर को हमने आमंत्रित किया है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कांगड़ा के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा पेप्सिको 270 करोड़ रुपए का कारखाना लगाने जा रही है इंदौरा में, जिसका शिलान्यास करने में कल इंदौरा जा रहा है। तो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा निवेश है। भारतीय जनता पार्टी के समय इन्वेस्टमेंट मीट होती रही, 36 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट पर खर्च कर दिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं आया। ये पहला इन्वेस्टमेंट हमारी सरकार की कमिटमेंट को दर्शाता है कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज पर कोई पुनर्विचार किया जा रहा है? नहीं, डॉक्टर की रिटायरमेंट एज तो हमें जरूरत है डॉक्टरों की, तो जब तक डॉक्टरों की एज हमें जरूरत होगी हम उनकी हमको एक्सटेंशन देते हैं। सर, ये कहा गया है कि 65 डॉक्टरों की कमी संख्या बहुत कम है। सर, कोरोना वॉरियर्स आज भी विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं, सर उस पे कुछ कहेंगे? सर, कोरोना वॉरियर के साथ बड़ी विडंबना ये है, हमारी सरकार की पूरी सहानुभूति उनके साथ, लेकिन पिछली सरकार ने जब उनकी नियुक्तियाँ की थी तो कोई नियम नहीं बनाए, तो सरकार के अधिकारी भी इसमें थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि जब नियम ना बने हो, सिर्फ आउटसोर्स पर टेम्परेरी बेस पर रख दिया जाए, तो उनकी नियुक्तियों के संदर्भ में आगे हमने क्या कैसे उनको एडजस्ट कर सकते हैं, उस बारे में हम सोच विचार भी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वॉरियर के मामले में अभी सरकार ने सोचा कि जब कभी इंटरव्यू हो तो उन्हें कैसे एक नंबर या दो नंबर या नंबरों के हिसाब से उनको कैसे एडजस्ट किया जा सकता, उस दृष्टि से सरकार विचार कर रही है। चलो, हो गया सर, आज पॉलिसी अभी इस मामले में नहीं बनी है। सर, आज और पिछले कल भाजपा ने आपकी गारंटियों को लेकर के सवाल उठाए हैं, आप कुछ कहेंगे? कौन सी गारंटियों की लेकर? जो भी गारंटियां कांग्रेस ने दी थी सरकार, एक साल में 3 गारंटियां पूरी होगी, 5 साल के लिए हम चुनकर आए हैं, 10 की 10 गारंटियां पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। विनय जी, विनय जी, विनय जी, विनय जी, विनय जी, विनय जी, आप तो यही रुको।